सबसे छोटा उपनिषद है ये, केवल मंत्र 12 मंत्र, पर इस 12 मंत्र में संपूर्ण उपनिषद के सार तत्व है उसको समझाया गया है। और वो गौड़पाद आचार्य ने, शर्मानी माता जी आप अपने मोबाइल को म्यूट में रखे, आवाज आ रहा है उसमें, शर्मानी माता जी आप अपने मोबाइल को म्यूट में रखे। यहाँ पे इस 12 मंत्रों के माध्यम से उपनिषद के सार तत्व यहाँ पे समझा गया। इसलिए ऐसा मुक्ति उपनिषद में आता है कि मानु का एक अंश एवं अलग मुमुक्षालम है ना, मुमुक्षु के पर है जिनका, इस प्रकार की वैराग्यवान साधक के लिए मानु का अकेला ही पर्याप्त है मुक्ति, मतलब बोध कराने में पर्याप्त। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जब पूरा जो नाम रूपात्मक जगत दिखाई पड़ रहा है, एक हम पहले क्या बोला नाम और फिर रूप, ये नामात्मक का रूपात्मक जगत को पहले बोलते ओम इति एतद् अक्षरम् इति वंशः। नामात्मक जगत संपूर्ण ओंकार ही ओम के द्वारा है, उसमें सारा नाम लिखा हुआ है, इसलिए पहले नामात्मक जगत को दिखाया कि ओम इति एतद् अक्षरम् इति वंशः तस्सुपव्याख्या, उसको नजदीक से समझाया जाएगा उसका स्वरूप क्या है, उसका वास्तविक प्रकृति क्या है, उसका मतलब स्वरूप, उसका सत्ता और उसका विस्तार कैसे हुआ, उसको समझाने के लिए आगे जब जो भी कुछ दिखाई दे रहा है कि सब कुछ वर्तमान में सब ओंकार ही है, जब जो अपनी त्रिकालातीतम तदपि ओंकार में जो कालतीत मतलब जो परापर ब्रह्म दोनों में विभाजित है, एक कार्यात्मक ब्रह्म एक कारणात्मक ब्रह्म, जो कार्य कारण भाव से परे है वो भी ओंकार है, ऐसा करके एक ओंकार के ऊपर सारा नाम अस्थित है, परंतु ओंकार की पारमार्थिक स्वरूप वो नाम से रहित है, ऐसा पहले मंत्र में कहा। तब यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा लगता है कि नाम की प्राधान्यता दी गई, तो ऐसा नहीं है, नाम और नामी अभिन्न है। इसमें फिर क्या बोलते हैं, इदम सर्व इदम सर्व एतद् ब्रह्म इदम सर्वम एतद् ब्रह्म, जो भी कुछ यहाँ दिखाई पड़ रहा है वो ब्रह्म ही है। अब रूपात्मक को लेकर के बोलते हैं, जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर्वम गुम है तद ब्रह्म, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब ब्रह्म ही है। अब क्या हो गया, रूपात्मक को लेकर के दिखाई दे रहा है, मतलब ये उपादान मूल उपादान कारण को दिखा रहा है, मूल उपादान कारण समस्त कार्यात्म में कार्य उपादान कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता है, जो भी कुछ कार्य दिखाई पड़ रहा है ये सब ब्रह्म ही है, क्यों, ब्रह्म ही जगत का मूल उपादान कारण है। और ये ब्रह्म क्या वस्तु है, तब बोलते हैं कि अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, उत्तम अधिकारी सबसे उत्तम अधिकारी जो तीव्र मुमुक्षुत्व जिसके अंदर है विवेक वैराग्य है, अयमात्मा ब्रह्म विचार सुनते ही विचार करते ही मतलब उसका लक्षार्थ में ले जाएगा एकत्र हो जाएगा। तो श्रुति जानती है कि जो है इतना उत्तम अधिकारी सभी नहीं है, तब श्रुति फिर सब दुष्टि के लिए भी रास्ता खोलते हैं, मध्यम के रास्ता खोलते हैं, बोलते हैं स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ये जो आत्मरूप में आपको दिखाई दे रहे हैं आत्मा में चार पाद की कल्पना की आधारों की, वास्तविक पाद रहित है आत्मा, परंतु मैं अपने को जीव उपाधि उपाधि के साथ जीवात्मा जब बन गया तो हमारे अंदर तीन दिखाई पड़ता जान पर सपना से चुप्पी। और एक स्थिति ऐसा भी है जब हम लोग ध्यान भजन करते मन एकाग्र होता है जान पर सपना से चुप्पी सुखने भी पूछता है, इस आत्मा को चार पाद करके कहा सो एम आत्मा चतुष्पाद। परंतु यहाँ पे चतुष्पाद की व्याख्यान करते भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं कि चार पाद में तीन पाद तो जिसके ऊपर पद्धति अनिर्णय विपाद जिसके ऊपर चल करके हम पहुँचते हैं,
और चौथा पाद जो है जहाँ पे हम पहुँचते पद्धति इति पाद जिसको प्राप्त किया जाए ऐसा विभाजन किया। अब जैसे प्रतीक भगवान भाष्यकर ने देखा श्रुति भी ऐसा ही दिखाती है। तो पहला पद जागृत स्थान ठीक है ना, भीष्म प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भूख वैश्यानर प्रथम पाद ठीक है ना, ये हो गया आपका पहला पाद की स्थिति को बताए कि जागृत अवस्था में वही शुद्ध व्यापक पूर्ण चेतन जागृत अवस्था में जो बाहरी वस्तु का ज्ञान करते हैं इंद्रियों के माध्यम से बाहरी वस्तु का ज्ञान को ग्रहण करते हैं व्यवहार करते हैं भीष्म प्रज्ञ, फिर सप्तांग उनका सात अंग है सर आँख धर पेट पैर हाथ इस प्रकार के सात अंग स्थूल अंगों को दिखा और एक विंशति मुख सूक्ष्म शरीर को लेकर के बोलता है उन्नीस मुख वाला है पंच ज्ञानेन्द्र पंच कर्मेंद्र पंच प्राण और मन बुद्धि ये चार उन्नीस मुख वाला इस प्रकार से सप्तांग एक विंशति मुख और ये क्या करते हैं स्थूल भूख स्थूल वस्तु को भोग करता है जागृत अवस्था में हमारा जो भी कुछ भोग होता है स्थूल भोग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं वैश्वान प्रथम पाद। ये हमारी इस आत्मा में पहला पाद की कल्पना है जो प्रत्येक जीव के अपने अनुभव में आता है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीज़ हमें अनुभव में आता है जो चीज़ हम अपने बुद्धि समझ सकते हैं इसको समझाने के लिए श्रुति नहीं है। यदि श्रुति इसको कहती है तो हमारी अंदर जो भ्रांति है वो भ्रांति को पहले अनुमोदन करती है ताकि पहले आपको मन को थोड़ा मतलब पक्का कर देगा ये जो आप समझ रहे हो ना अब फिर बताएंगे क्योंकि ये तुमको समझ में आ रहा है इसलिए ये श्रुति प्रमाण के विषय नहीं हो सकता। श्रुति प्रमाण के विषय तो वो होगा जो प्रमेय और दूसरा किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता। उस प्रमेय तक पहुंचाने के लिए पहले जो हम समझते हैं उसका अनुवाद करके श्रुति कहते हैं। इसलिए पहले जागृत अवस्था फिर क्या हो गया स्वप्न स्वप्न स्थान ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होता अंत प्रज्ञा है सप्तांग एक पंक्षति मुख प्रविनिक्त रूप सूक्ष्म वस्तु को भोग करता है। सूक्ष्म वस्तु को भोग करके तेजस द्वितीय तो तेजस मतलब क्या तेज के द्वारा पूर्ण अत्र पुरुष स्वयं ज्योति भगवती अपना स्वयं प्रकाश तेज के द्वारा और दिन को रात कर देना रात को दिन कर देना समुद्र विषय को प्रकाश करना अपने प्रकाश से सब कुछ करता है। दूसरे किसी को वहाँ पर नहीं है सूर्य नहीं है चंद्र नहीं है अग्नि नहीं है विद्युत नहीं है इंद्रिय नहीं है अपने प्रकार से सब कुछ प्रकाश करके व्यवहार करते हैं इसे इसको तेजस कहा व्यष्टि द्वितीय पाद हो गया। द्वितीय पाद का वर्णन करते हुए आप भगवान भाष्यकार सप्तम जहाँ पे आपको सप्तम मंत्र शुरू में आकर के बोल दिए थे ये यहाँ पे वर्णन करते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तो स्वाभाविक प्रबद्ध रूप से होता है परंतु आप जागृत में बैठ करके जागृत अवस्था सुषुप्ति स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था अनुभव करने की कोशिश करें क्या हो रहा है तब आप जागृत में बैठ करके तुरियों में पहुँच सकते हैं तब जाकर के अज्ञान का नाश हो तब जाकर के अज्ञान का नाश हो। तो आप स्वप्नावस्था में आके दिखाया कि आपका स्थूल शरीर से तादात्मता छूटा हुआ है और ये इंद्रियां भी नहीं काम कर रहे हैं परंतु मन कल्पित राज्यों के द्वारा आप अपने इंद्रियों और राज्यों को बना करके वहाँ पर शुभ मतलब भोग रहे हैं। अब आगे सुषुप्त स्थान में क्या जब तक सुप्त न कंचलम स्वप्न पश्चात न कंचलम कारते तक सुषुप्त उस समय में स्वप्न नहीं देखता बाहरी मुझे कामना नहीं करता वो सुषुप्त सुषुप्त स्थान एक ही भूख प्रज्ञान घन एक आनंदमय आनंद भूख है ना चेत मुख प्राज्ञ यहाँ पे क्या हो गया प्रज्ञान की एक घनीभूत अवस्था सब बीजभूत अवस्था प्रज्ञान घने चेतनता की नाश नहीं हुई मतलब चेतनता की विकास नहीं है अभिव्यक्ति नहीं है प्रज्ञान घन एव आनंदमय इस समय वो आनंद के साथ एक होकर के सोते सदा शुभ सदा संपन्न भगवती तो फल क्या था उस समय आनंद का भोग आनंद भोग है ना सुषुप्त स्थान आनंद आनंदमय कोश आनंदमय कोश कोश में है परंतु कोश हमारा अंतिम स्थिति नहीं है कोई कोई व्यक्ति सुषुप्त के मुक्ति ये समानते हैं परंतु हमारे वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार जागृत अवस्था में बैठ कर के सुषुप्त में क्या होता है हम अपना स्थूल शरीर के साथ हमारा तात्मता नहीं रहता है गहरी नींद में पड़ा हुआ है कोई शरीर के ऊपर थूक भी दे हमें कुछ पता ही नहीं लगता मच्छर भी काट गया कोई पता ही नहीं लगता यानी कि स्थूल शरीर के साथ कोई ताकत नहीं फिर उसमें और क्या होता है सूक्ष्म शरीर मतलब ये इंद्रिया मन बुद्धि जो हमारे सूक्ष्म शरीर है पंच ज्ञानेन्द्रियों काम नहीं करता कोई बाहर कुछ नहीं जाता पंच कर्मेंद्रियों को कुछ काम नहीं कर रहा पंच प्राण प्राण में वहाँ पे क्या होता है कि प्राणी न रक्षण अवरम प्राण वायु जो अपने आप इसका नियम करके उसके बल मात्र हमारे अस्तित्वता से वो चलते रहते हैं तो शरीर नाश हो जाता है इसलिए प्राण वो चलते रहते हैं और फिर जो है मन बुद्धि चलता हमका कुछ नहीं करता हम यहाँ पे इतना ही मात्र बोलते हैं
क्योंकि यहाँ पे आनंद का अनुभव करके उठ करके व्यक्ति बोलते हैं कि मैं आनंद से सोया था। ये स्मृति होती है, स्मृति अनुभव के बिना स्मृति होना संभव नहीं। तो शुद्ध आत्मा कुछ अनुभव तो नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे अनुभव करने के लिए जो एक उपकरण है, ये हमारा अंतकरण, एक भक्चित्त, उस चित्त के जो आपका रिसीविंग पार्ट है, वो केवल उस समय उस आनंद में जो सोया हुआ स्वरूप के साथ एक होकर व्यापकता के साथ पूर्णता के साथ एक होकर के स्वयं उतना मात्र को वो रिकॉर्ड करता है। उस समय इतना ही मात्र होता है, परंतु जब हमारा सुषुप्ति का प्रारंभ समाप्त होता है या तो स्वाभाविक रूप से अथवा कोई आकर के उठा, तब उस समय क्या होता है, जो रिकॉर्ड कर रहा था वो रिकॉर्ड स्विच ऑफ हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, तुरंत बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है तब त्वचा में हो सुगन इंद्रियों में, वो उसको चित्त माइंड को ये कर देते हैं। माइंड में आते ही तुरंत जग जाते हैं, तुरंत जग जाते हैं मतलब सचेत हो जाते हैं, शरीर के साथ आदत करते हैं, फिर उनको बाहर के साथ व्यवहार करने लगते हैं। मैं हूँ करके पहले बोध होता है अपने अस्तित्व, फिर मैं ये, और फिर कल क्या किया था, कोई बुला रहे, ये स्वभाव धीरे धीरे मन में आ रहा है। तो इस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में जागृत में बैठ करके हमें इस अवस्था में आना है। जागृत में बैठ करके हमें क्या है, केवल इतना ही, हमें ये प्रारब्ध के अनुसार हम छोड़ने से नहीं होगा, यहाँ पर अपने पुरुष का, यहाँ पर पुरुष का लगा करके धीरे 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 स्थूल शरीर से तादात्म्यता छोड़ करके, और अंतकरण से तादात्म्यता तो नहीं छूट सकते, परंतु अंतकरण वृत्ति को देखने का अभ्यास करें। अंतकरण के वृत्तियों को जब देखने का अभ्यास करेंगे तो आपके सामने दृश्य हो जाएगा, और मैं दृष्टा उससे भिन्न देखने वाला हूँ, तो अंतकरण सूक्ष्म शरीर भेद हो जाए, सूक्ष्म शरीर मैं भिन्न हूँ ये दृश्य होता है। कहाँ तक, अहंकार तक, है ना, जो परिच्छिन्न अहंकार है, इस अहंकार का भी मैं दृष्टा हूँ, अहंकार आत्मा की धर्म। इस प्रकार विचार करते करते ये जो अपनी असंगता पूर्णता व्यापकता व्यापकता की बार बार चिंता जागरूक बैठ करके इसको ही बोलते हैं ब्रह्मकार वृत्ति। ये ब्रह्मकार वृत्ति जो हमारे अज्ञानात्मक जीवात्मक भाव है उसको नाश करते हैं, और उसको नाश करके क्या होता है, फिर अपने आप भी नाश हो जाता है, वो अपने आप भी नाश हो जाता है, केवल शुद्ध ब्रह्म ही है। ये है पूरा प्रक्रिया, भगवान भाष्यकार इसको मंत्र व्याख्या में बताया। तो यहाँ पे सबसे पहला छह मंत्रों के ऊपर जो है नौ कार्य का लिखा, उसमें क्या दिखाया कि ये दो जागृत स्वप्न कार्य और कारण से बंधा हुआ है, ठीक है ना, और सुषुप्ति अवस्था में केवल कारण मात्र है, और तुर्य का व्याख्यान अभी नहीं हुआ। अब वहाँ पे मुख्य रूप से ये कहा गया है, त्रिषु धाम सुजत भोज्यम भोक्ता जस्य प्रकृति वेद एतद् उभयम् यस्तु नाली उत्पत्ति। ये हम शायद भोग के साथ रहते हुए अथवा संसार में रहते हुए भी हम भोग के द्वारा ले पाएमान ना, हम सुख दुख के साथ ले पाएमान ना, कैसे हो सकता है। तो बोलते हैं कि यहीं से अभ्यास करें। तीन धाम है, तीन मेरा रहने के स्थान है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ठीक है ना। ये तीन धाम में जो भोक्ता कौन है, भोग कौन है ना, भोक्ता कौन है, जागृत में विश्व तेजस प्राज्ञ, इस प्रकार से अभोग वस्तु स्थूल भोग सूक्ष्म भोग और अपने अज्ञान, इस प्रकार से। और परंतु ये भोग और भोक्ता एक ही चेतन के ऊपर अधिष्ठित है, एक ही चेतन के ऊपर, भोग को भोक्ता के व्यवहार में भेद है, परंतु व्यवहार हटा जो आगे जब आएगा बोलेगा कि यहाँ पे जो अकार उकार मकार तिलक को लोप करके शुद्ध अधिष्ठान में आना है। तो इस प्रकार से ये तीन व्यक्त, मैं क्या बोला था, मान लीजिए कि एक होटल में आप गए, एक होटल में आपने जा करके देखा तीन व्यक्ति तीन प्रकार के खाना, एक कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, एक शराब पी रहा है, एक दाल चावल खा रहा है, तो तीन अलग अलग भोक्ता, तीन अलग अलग टेबल, तीन अलग अलग खान खाने वाला अलग अलग। मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ, उससे मेरे का उस पेट ना पेट भरेगा, ना प्याज बुझेगा, ना मुझे बिल भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिल भुगतान नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं दृष्टा हूँ। ठीक इसी प्रकार हमारी इसमें तीनों अवस्था में भोग करने वाला चेतन इससे भिन्न है, न जागृत की कोई बिल भुगतान करना पड़ता है, न सुख दुख हमारे साथ संबंध है, न स्वप्न के सुख दुख के साथ हमारे संबंध है, न अज्ञान के साथ हमारे कोई संबंध है। इस प्रकार से मन में बैठा करके जो आगे सप्तम छठा मंत्र को कहते हुए ये कहते, ईश मतलब व्यष्टि से लेकर के समष्टि में ले जा रहा है, ईश सर्वेश्वर, ईश सर्वज्ञ, ईश अंतर्यामी प्रभव अप्यहन, ईश योनि सर्वस्व प्रभव अप्ययो भूतानाम। यहाँ भी देखिए योनि मतलब सबका कारण बोला इसको,
परंतु ये तो केवल मात्र निमित्त कारण भी हो सकते हैं ईश्वर, ईश्वर निमित्त कारण होगा तो महान कारण है। और ये नहीं बोला प्रभु अपयो ही भूताना, ये वह स्थान भी है मतलब कार्य अपना कारण में ही लय प्राप्त हो रहे हैं, कार्य अपना कारण में ही लय प्राप्त हो रहे हैं। तो यही जो प्राज्ञ रूप में है यही ईश्वर है, शुद्ध चेतन यही है, और ये कार्य अपने कारण में ही लय प्राप्त हो रहे हैं। अलग अलग वादियों का अभी अपने जो आगे के साथ संबंध रखते हैं, क्या बोलेंगे प्रणव से सब कुछ उत्पत्ति, प्रणव से स्थिति प्रणव में ही है। अलग अलग वादियों का अलग अलग मत है। कोई कहते हैं परमाणु से जगत हो, परमाणु तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जहाँ तक आप विभाजन करते जाओ उसमें जो सूक्ष्मतम पार्टिकल निकलेगा उसी को परमाणु बोलते हैं, उससे जगत की सृष्टि होती है। ये हमारे नए विशेष की बात है। अतः वर्तमान विज्ञान बात ये इसी को इसी का आधार पर ही चल रही है। एक बात ये बोलते हैं कि प्रकृति ही से जगत की सृष्टि होती है, त्रिगुणात्मक प्रकृति मानते हैं। तो हम क्या बोलते हैं वो एनर्जी को तो मानते हैं, एनर्जी मैटर रूप में दिखाई पड़ती है, है ना। तो आप वो जो त्रिगुणात्मक प्रकृति में वो जो हमारे पास तीन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और जब ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एक अवस्था में आता है जहाँ पे फ्लो नहीं होता, वो हो गया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया तमोगुण, काइनेटिक एनर्जी हो गया रजोगुण, और जो दोनों साम्यावस्था में आकर के सत्योगुण, ये सांख्यवादी एक सिद्धांत, ये एक गुण है, ये लोग ऐसा मानते हैं। एक बात ही बोलते हैं जीव की कर्म से सृष्टि, क्रिया से सृष्टि, फंक्शन हो रहा है इससे सृष्टि हो रहा है, मूवमेंट से सृष्टि, पूर्ण सृष्टि हो रहा है। और एक बात ही मान लीजिए कमल सिंह मतलब वर्तमान चिंतन, वो भी यही मानते हैं कि हिस्ट्री डिग्री सब ऐतिहासिक ऐतिहासिक भवितव्य, जो ऐतिहासिक है वो दुकान होना ही है। मान लीजिए वर्तमान फिलोसफर लोग, वेस्टर्न फिलोसफर लोग बोलते हैं, तो हम लोग ये मतलब जैसे हम लोग भगवान ने जो लिख दिया वो होना ही है, तो हमने भगवान बोला वो इतिहास रूप में बोला, ऐतिहासिक रूप में कोई बात नहीं। हम इन सभी वादियों के जो सिद्धांत है जो अलग अलग रूप में चल रहे हैं, हम इन सभी वादी के सामने एक ही प्रश्न रखते हैं, जो तुम परमाणु को बोलते जगत की उत्पत्ति कर उसको तुम जानते हो कि नहीं जानते, जो तुम प्रकृति को जगत के कारण रूप में मानते उसको तुम जानते हो कि नहीं जानते, ये जो कर्म के जगत को कारण मानते उसको तुम जानते हो कि नहीं जानते, अथवा तुम इतिहास के रूप में अथवा कोई भवितव्य जो होना लिख दिया होना ही है ये तुम मान, इसको तुम समझते भी नहीं समझते, ये जो पीछे सबके पीछे समझते हमारा जो तत्व है वो मूल का है, वो मूल का है, उसके बिना ये सब होना संभव, क्योंकि तो सब जड़ है, परमाणु भी जड़ है, प्रकृति भी जड़ है, कर्म भी जड़ है, कर्म कैसे फल देगा। इसलिए एक चेतन तत्व चाहिए बिना सृष्टि नहीं सकता, ये हमारी वेदांतिक चेतन, इसी को समझाने के लिए सात नंबर मंत्र में आया था हमारे पास, क्या बोला था हमारे सात नंबर मंत्र, नान्त प्रज्ञन भैंस प्रज्ञन उभयत प्रज्ञन प्रज्ञान घन न प्राज्ञन अप्राज्ञ। ये बोलने का मतलब यहाँ पे देखिए मैं पहले भी बताया था, जिस वस्तु जहाँ पे दिखाई दे रहा है उस वस्तु को यदि उसी स्थान में निषेध हो जाता है तो उसी को हम मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या की परिभाषा में लेकर अभी गुण यही मतलब घबराहट होते हैं बोलने, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मिथ्या मतलब ये नहीं कि असत और मिथ्या एक नहीं है, असत और मिथ्या एक नहीं है। मैं बोलता हूँ खरा नहीं है इसका मतलब मृतिका नहीं है, यह हमने नहीं कहा खरा की अस्तित्व तो नहीं है, यह हमने नहीं कहा। जो नाम रूपात्मक जो विकार दिखाई पड़ता है उसमें मिथ्या तो बैठा हुआ है, ये हमारी अभिप्राय है। और किसी वस्तु में क्या गुण है इसको समझने के लिए हमको वो वस्तु सामने विद्यमान होना चाहिए। आपको मनुष्यत्व तो समझना है तो कोई मनुष्य होना चाहिए सामने, आपको घटक तो फटक तो समझना है तो आपको घट या पट कुछ होना चाहिए सामने। इसी प्रकार जगत में मिथ्यत्व जो भी धर्म बैठा हुआ है इसको समझने के लिए जगत सामने होना चाहिए। ये प्रतिबंधक है, प्रतिकूलता नहीं, प्रतिबंधक नहीं है, ये साधक है, बाधक नहीं है। ये कोई बात क्योंकि एक व्यक्ति का ज्ञान हुआ सबका तो ज्ञान हुआ नहीं, उनकी दृष्टि से क्या होता है। मैं पहले बोला था जगत के अंदर दो भाग है, प्रपंच शब्द एक जगत और एक संसार। जगत जगत के नाश नहीं होता, हमारे संसार की निवृत्ति हो जाती है ज्ञान से, इतना ही मात्र भाग है। इसलिए वहाँ पे बोले थे कि यहाँ पे जो है नंत प्रज्ञन भैंस प्रज्ञन उभयत प्रज्ञन प्रज्ञान घनन प्रज्ञन अदृष्ट है ना, वो इंद्रिय गम बनी है, अव्यवहार्य वो कर्म इंद्रिय गम भी नहीं है, अग्राह्य हम उसको हाथ के तरह ग्रहण नहीं कर सकते हैं, फलत उसका कोई लक्षण भी नहीं है अलक्षम, जब लक्षण नहीं है तो उसका चिंतन विचार कैसे करेगा, अचिंत्य हो, और जब चिंतन नहीं कर पाओगे तो उसको उपदेश भी नहीं,
देखो श्रुति अपने आप बोल रही है, जिस चीज़ को आप हम सोचते हैं कि हम उपनिषद से इसका ज्ञान होता है, श्रुति अपने आप ही बोलते हैं हम जहाँ तक उपदेश करेंगे वो उसका उपाधिक रूप है, परंतु उसके बारे में हम कह नहीं सकते, ज्ञान इससे भी नहीं हो सकते। अपने आप बोलते हैं अव्यपदेशम, मतलब इसका उपदेश नहीं हो करने जो नहीं है, तो उपदेश इतना श्रुति बाकी है किसको उपदेश कर रहे हैं, वो उस तत्व की उपाधि के माध्यम से समझाने का कोशिश किया जा रहा है ना, वास्तविक उसके बारे में उपदेश नहीं। जो ऐसा है जिसको समझा नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है, ऐसा है ही नहीं कोई वस्तु नहीं, एक आत्म प्रत्यय। यदि आत्मनिष्ठा है, अंतर्मुखी निष्ठा है, तो आपको उसका सार मतलब उसका क्रीम, उसका जो लास्ट स्टेज वो आपको समझना है। आत्म प्रत्यय सार हाँ, वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रपंच उपशम, ये प्रपंच उपशम मतलब आत्मसंसरण की वृत्ति बन गई, प्रपंच उपशम क्यों, वो शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयम, यही आत्मा यही संसार एकमात्र जानने योग्य वस्तु है ना। इसी को जानने के लिए भगवान भास्कर यहाँ से बोल कर कहे थे कि देखो यहाँ पे क्या है, जानेंगे कैसे कि जागृत स्वप्न मतलब जागृत अवस्था में सुषुप्त जैसा रहो, जागृत अवस्था में सुषुप्त जैसा रहो, शरीर अपना प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार करता रहता है, परंतु न स्थूल शरीर से न सूक्ष्म शरीर से न उसके व्यवहार और व्यवहार के फल इस किसी के साथ मेरा कोई संबंध, इस किसी के साथ मेरा कोई संबंध, इस भाव में आना है। तो यहाँ पे इसीलिए बोलते होता हो के होता क्या है, यहाँ पे एक होता है अज्ञान अवस्था में अग्रहण, मतलब अपने स्वरूप की ठीक से समझ नहीं आया, नहीं आने के कारण क्या हो गया, अन्यथा ग्रहण हो जाता। इसी को वेदांतिक शब्दों के द्वारा हम निद्रा और स्वप्न बोलते हैं, वेदांतिक परिभाषा में निद्रा किसको बोलते हैं आप, अनादि माया सुप्त, अनादि माया निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति, हम तो जगे हुए हैं, हम सोए हुए कैसे बोलते हैं, बोलते आपकी ये जो जागृति है ना, ये जागृति क्या है कि आप केवल मात्र स्थूल वस्तु के प्रति जगा हुआ हो, स्थूल की अधिष्ठान के प्रति अभी तक नहीं जगे, स्थूल के अधिष्ठान के प्रति आप नहीं जगे, आप नाम रूप को देख सकते, इसीलिए ये जो अधिष्ठान तत्व के अज्ञान, इसी को हम निद्रा बोलते हैं, इसी को हम निद्रा बोलते हैं, अन्यथा गृहत स्वप्न निद्रा तत्व अजान, जो इस तत्व की नहीं जानना, इसी को हम निद्रा शब्दों के द्वारा कहते हैं, और नहीं जानने के कारण वहाँ पर जो उल्टा जान लिया, नहीं जानने के कारण जो उल्टा जान लिया वो अन्यथा ग्रहण, वो उसको बोलते हैं अन्यथा, उसको हम स्वप्न के बोलते हैं। मंदेश्वर जी दशम पीठाधीश को समझाते हुए समझा रहे थे, एक पिताजी का दो बेटा था, बड़ा बेटा को पहले स्कूल में भर्ती किया था, तो छोटा बच्चा भी बड़ा हो गया, तो उसको दोनों को आप एक ही स्कूल में भर्ती करेंगे, बच्चों बड़े बच्चे कहीं गाँव के स्कूल में भर्ती कर दिया था, तो अब जब उसको नए स्कूल में दोनों बच्चों के एक साथ लिए गए भर्ती कराने में, तो बोला ये पहले स्कूल में था, उनसे कुछ पूछा वो कुछ उत्तर नहीं दे पाए, तब बिल्कुल उल्टा उल्टा उत्तर दिया इसका ही, और एक व्यक्ति को पूछो कि स्कूल में भर्ती ही नहीं हो, सामान्य नाम को छोड़ दिया, अब फीस दोनों को एक ही क्लास में भर्ती किया, और फीस लेते समय बोलता है जो पहले स्कूल में पढ़ के आया उसके लिए 200 रुपया महीने और इसके लिए 100 रुपया महीने, पिताजी को महाराज हो बोलते हैं हाँ, इसके लिए 200 रुपये पहले पढ़ के आया तो कुछ नहीं पढ़े, इसके 100 रुपये बोलते हैं हाँ, क्योंकि जो सीखा गलत सीखा है, अन्यथा ग्रहण हो रहा है, अन्यथा ग्रहण को मिटाने में परेशानी, उसके लिए 100 रुपया, अन्यथा ग्रहण को मिटाने के लिए परेशानी अधिक है। ये जो हम शरीर को अपने को जीव मान लिया, शरीर को स्वामी सर्वानंद की मैं हूँ, यही जो हमारी सबसे बड़ी कमी है, अन्य वही उसी को मिटाने ही समस्या है, तब जाकर के मैं क्या हूँ समझ में आता है। ये अन्यथा गृहते स्वप्न निद्रा तत्र अजानत विपर्यास्य तयोश्चिने धूर्यम् है ना, जब ये विपर्यास छीन हो जाते, विपरीत भावना छीन हो जाता है, तब तुर्योपद हमको समझ में आता है। तो कब होगा, अनादि माया सुप्त जदा जीव प्रबुद्ध, अनादि माया नेत्र में सोया हुआ ये जीव जब वेदांत बात को सुनते 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 अपने आत्मा के प्रति जग जाता है, अभी मैं जगे हुए हूँ, आत्मा को सुला करके बाहरी जगत के प्रति जगा, अब दूसरा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बाहरी जगत सुल जाएगा और आत्मा में जागृत है ना, इस अनादि माया सुप्त जदा जीव प्रबुद्धते तत्कत है अजम अनिद्र अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते, ये मैं जन्म मृत्यु समझी है ना, अजम अनिद्र अस्वप्नम मतलब वहाँ पर अग्रहण भी नहीं है अन्यथा ग्रहण भी नहीं, उस समय जन्म रहता तो एक भेद अवस्था, भेद रहित अवस्था है, अद्वैतम बुद्धते।
इसका इसका यहाँ पे भी आपका 9 से लेकर के पहले में आपका 9 कार्य कथा, उसके बाद 9 से लेकर के 18 तक जो है आपका सप्तम मंत्र की बात है। उसके बाद जो है उत्तम अधिकारी को लेकर मध्यम अधिकारी को लेकर के वर्णन, वो श्रुति जानती है इतने मात्र से भी काम करने वाले और भी कुछ साधक हैं जो इतना विचारशील नहीं है, तो उनके लिए फिर रास्ता खोल रहे हैं। ओंकार की जो 3 मात्राएं हैं, अकार उकार मकार और आत्मा की जो 3 अवस्थाएं, इसमें एक एक मात्रा के साथ एक एक अवस्था को मिला करके चिंतन करने के लिए बोल रहे हैं, ये ध्यान के लिए बोल रहे हैं कि उसके माध्यम से क्या हो जाएगा, मानसिक एकाग्रता आ जाएगी, फिर तुम्हारे अंदर लंबा समय तक इसी एक विचार में मन को रख सकते हो। इस भावना को लेकर के यहाँ पे क्या बोले थे कि वो 8 मंत्र से लेकर के 11 मंत्र तक आता है, 8, 9, 10, 11, ठीक है ना। वहाँ पे 8 मंत्र है, पहले आत्मा का जो पाद है वही ओंकार की मात्रा है, पादा मात्रा मात्रा स्पादा इस प्रकार से बोला था। और फिर जो है अकार के साथ पहला मंत्र क्यों, आदिमत्वात आप्तेश्च, ये सबसे पहले भी है, सबसे ऊपर दिखाई पड़ते हैं और ये सबको व्यापक होता है, व्यापक प्राप्ति करते हैं, इसलिए सबको अकार के तरह समस्त भाग व्याप्त है। ये हो गया अकार के साथ हमारा जागृत अवस्था की चिंतन। फिर उसके बाद जो है धीरे 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 मन अकार से उकार में उत्कर्षता और मध्यता भी उभयता, मतलब ये स्वप्न अवस्था में हम जागृत से भी आ सकते हैं, सुषुप्ति में जा सकते हैं, उभय भाग तो होता है उसमें। इसी प्रकार से आप जो है ये स्वप्न अवस्था में उकार उकार को लेकर के इसको उत्कृष्टता और उभय रूपता को चिंतन करना, उसका भी कुछ फल कथन किया गया। उसके बाद अकार के बाद आ गया मकार, मिते और अपितेश्च, जिसमें जरा मापा जाता है हमारे अंदर क्या संस्कार है, क्या काम कर रहे हैं, और उसी में आकर को लय प्राप्त करते हैं, मकार में आकर के अकार और उकार लय प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जागृत स्वप्न के सुषुप्ति अवस्था में पासना को बीज अवस्था को लेकर के लय प्राप्त करते हैं, बीज विद्यमान है, बीज विद्यमान है। परंतु धीरे धीरे जब आपको इसके पीछे अब 12वां मंत्र में आकर के ये अकार उकार मकार तीनों ही मात्रा जहाँ पे आकर के लय प्राप्त करते हैं, जहाँ तब क्या हो जाएगा हमारे पाद भी जो पाद रहित हो जाते हैं, वो जो हमारे स्वरूप बुद्ध स्थिति है उसको लेकर के 12वां मंत्र आया था अमात्र चतुर्थ, जहाँ पे मात्रा नहीं है, जो पाद की दृष्टि से जिसको चतुर्थ हम बोलते हैं वास्तव वो समस्त पाद में अनुसूत है, अमात्र चतुर्थ। अमात्र क्यों बोला, जो मात्रा आकार उकार मकार जहाँ पे लय प्राप्त करता है, और चतुर्थ क्यों बोला, जो यही जो होता है मतलब ये जो पाद की अपेक्षा से जागृत स्वप्न 12वां मंत्र जो चौथा है, ठीक है ना। परंतु यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, कोई व्यवहार नहीं, पूर्ण अपनी पूर्णता में अपनी व्यापकता में कोई व्यवहार होना संभव नहीं, व्यवहार मतलब लेना देना चिंतन करना, पहले बोल करके आए तो क्या होता है, यहाँ पे प्रपंच सारा विस्तार जो है अपने में लय प्राप्त करना, संसरण के बीज यहाँ पे नाश हो जाते हैं। इसलिए शिव सबसे कल्याणकारी तत्व क्या है, अद्वैत है ना। इस प्रकार से जो ओंकार है वही आत्मा है, मेरा स्वरूप है ना। ओंकार की से द्वारा लक्षित जो निर्गुण निराकार निर्विशेष और आत्मा आत्मा के द्वारा लक्षित जो जीवात्मा ने शुद्ध आत्मा, ये दोनों अभिन्न है, एक ही है ना। इसलिए एवं ओंकार आत्मा एवं, इस प्रकार से ओंकार ही हमारा स्वरूप है, परमात्मा ही हमारा स्वरूप है। इस प्रकार से जो जानते हैं उसका क्या होता है, संविशति आत्मना आत्मान, अपने आप अपने द्वारा अपने में प्रवेश करते हैं, संविशति आत्मान एवं वेद, जो इस प्रकार जानते हैं, ठीक है ना। ये 12 मंत्र के संक्षिप्त उपनिषद का ये परिचय है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो कारिका का इसके ऊपर जो मतलब कारिका क्या वस्तु है, मतलब जो उपनिषद में कहा है परंतु स्पष्ट समझ में नहीं आया, उसको जिसमें अभिव्यक्त किया उसको जिसमें कहा गया है उसको कारिका कहा जाता है। उपनिषद में कहा गया है जिस विषय वस्तु को उसका अंदर छुपा हुआ जो रहस्य है उसको यहाँ पे जो है कारिका कहा जाता है। तो मतलब 3 पाद को वर्णन किया और उसमें एक जगह पे आकर के 3 पाद का निषेध कर दिया, तो हमको तो निषेध और पाद का कथन ये समझ में आता है, इसमें अभिप्रेत अर्थ क्या है, अभिप्रेत अर्थ क्या है कि जिस वस्तु को जहाँ पे निषेध किया जाता है वो वस्तु पारमार्थिक नहीं हो सकता, ये चीज कारिका का नेटवर्क का अपने सामने आया। मतलब रज्जु को हम सर्प रूप में भ्रांति हो गई तो रज्जु में होकर सर्प की उत्पत्ति कभी नहीं हुई, वो एक प्रतीति मात्र, वो एक प्रतीति मात्र है, रज्जु रूपी अधिष्ठान के ज्ञान होने पर वो क्या होता है, प्रतीति की मतलब सप्तत्व की भ्रांति थी। तो इसके ऊपर आप जो कारिका में हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, कारिका आज 24 हो गया था,
25 भी हो गया था श्लोक को, टीका नहीं पढ़े थे, टीका नहीं पढ़े तो इस श्लोक को एक साथ पढ़ेंगे 25। जुंजीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् प्रणवे नित्यलुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। युंजीत मतलब तुमको जोड़ना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए, चेता, हाँ जोड़ना चाहिए प्रणवे। ये प्रणव शब्द बनते हैं नू धातु है, सेकंड धातु वचन परस्मै पदी प्रशंसा स्तुति श्लाघा इस अर्थ में आता है, नौती बनता है इससे अप्रत्यय होता है। प्र उपसर्ग पूर्वक नू धातु से अप्रत्यय कर नू को गुण हो जाएगा, नो हो जाएगा, फिर एच अवयव लगा नव बन जाएगा, प्र उपसर्ग कारण नंतन मूर्ध नाम दिखाई देगा तो प्रणव बनते हैं। धातु नू है सेकंड कर्ण अदादिगत परस्मै पदी धातु है, इसका मतलब नौती होता है तो प्रशंसा स्तुति श्लाघार्थ में आता है। तो इस प्रकार से आप देखिए जो प्रशंसा करने योग्य तत्व है इसका अर्थ क्या होता है, मतलब जो प्रकर्षण नव यस्मात तस्मात प्रणव, जो हमेशा नया ही रहता है ना, जो हमेशा प्रशंसा के योग्य है उसको हम प्रणव बोलते हैं। ईश्वर एकमात्र संसार में ऐसा तत्व है जो हमेशा एक रूप में रहता है, जो परिवर्तनीय व्यभिचारी तत्व कभी भी मतलब प्रशंसनीय नहीं होता, व्यभिचारी व्यक्ति कोई प्रशंसा नहीं करता, हमेशा एक रूप में रहना तत्व एक प्रशंसा है। क्यों तो हमेशा एक रूप है इसीलिए ही प्रणव जो है यही ब्रह्म निर्भय भय रहित ब्रह्म है। भय रहित ब्रह्म के द्वितीया भय भयम भवति, यहाँ पे दैत नहीं है एक ही तत्व है प्रणव ब्रह्म निर्भय, यही प्रणव क्या है व्यापक है, भय रहित व्यापक तत्व है। इस प्रकार प्रणवे नित्य युक्तस्य प्रणव में जिसका मन इस व्यापकता पूर्णता भय रहित एकत्व में पूर्णता में जिसका मन जुड़ गया उसका क्या होता है न भयम विद्यते क्वचित्, उसका संसार की कोई भय उसको स्पर्श नहीं कर पाता, किसी भी स्थान में किसी भी प्रकार में कभी भी कोई डर उसको नहीं। ठीक है इसको पट्टिका से शुरू करते हैं। ठीक है प्रणव अनुसंधान कुशलस्य प्रणव ज्ञानेन एव सर्वद्वैत अपवादकेन कृतार्थता भवति इति उक्तम्। प्रणव अनुसंधान कुशलस्य, प्रणव की अनुसंधान करने के कुशल है मतलब उपासना करने में जो उत्तम अधिकार है। ठीक है ना उसमें जो है सबसे एक नंबर टिप्पणी प्रणव अनुसंधान कुशलस्य प्रणव ज्ञानेन एव प्रणव की जो बोध मतलब उसके मात्रा के साथ पात को एकत्र को चिंतन करते हुए यही प्रणव मेरा स्वरूप है, इस प्रकार चिंतन के फलस्वरूप सर्व द्वैत अपवादकेन समस्त भेद प्रपंच को निषेध करते हुए कृतार्थता भवति मतलब उसको मनुष्य जन्म की सफल होता है। फलत क्या था किसी कर्म के संकल्प मन में फिर नहीं होता, कर्म संकल्प है प्रलब्ध के अनुसार शरीर अपना कर्म करता रहेगा सब उत्तम सहजावस्था है ना, किसी भी कर्म के संकल्प कभी मन में ना उठे ये सबसे अच्छा स्थिति है, ये सबसे अच्छा ये सबसे बुद्धिमत्ता और अच्छा स्थिति है। और यदि कोई कर्म का संकल्प उठा भी है तो द्वितीय क्या है उस कर्म को पूरा करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तृतीय क्या करता है कि कर्म को मतलब संकल्प तो करते हैं पर बीच में छोड़ देते कठिनाई देख कर ये तृतीय को नहीं चतुर्थ तो आरसी के पर कुछ करते हैं। तो यहाँ पे जो है कृतार्थता ये होता है अतः कोई कर्म के संकल्प फिर मन में नहीं होता। इदानीम तद अनभिज्ञस् पर उपदेश मात्र शरणस्य ध्यान कर्तव्यतम कथयत। एक चीज यहाँ पे ध्यान में हमारे यहाँ पे दो प्रकार की समाधि के बारे में लिखा है, एक बाद समाधि एक लय समाधि। ये लय समाधि क्या होता है हमको किसी ने कह दिया है ना, ये शास्त्र प्रमाण से ज्ञान उत्पन्न हुआ वो नहीं है, किसी ने कह दिया वो मैं देखा। इदानी तद अनभिज्ञस्य मतलब इस प्रकार प्रणव तत्व संबंधित शास्त्र का अवलंबन नहीं करके चिंता नहीं कर सकते मगर व्यक्ति का पर उपदेश मात्र शरण से उसने जैसा कहा उसको शरण करके चिंतन करते ध्यान कर्तव्य था उसको ध्यान कर्तव्य ऐसा कर सकते ध्यान भाव प्रधान होता है। ये जो ध्यान के द्वारा जिस लय समाधि को हम प्राप्त करते हैं वो भाव प्रधान होता है, उसने कहा हमारे विश्वास हम करते हैं परंतु और प्रमाण मतलब शास्त्र वाक्य से प्रमाण मतलब विचार करते हुए प्रमाण के द्वारा जब जगत विचार पूर्वक पाठ करते हैं उस समय समाधि होता है, वो समाधि से फिर जो उत्थान नहीं
क्योंकि वो प्रमा से प्राप्त हुआ। प्रमा एक भाई हमने शब्द प्रयोग किया कि पर उपदेश मात्र सर्वस्व, दूसरे को उपदेश की मात्र से। और एक यहाँ पे क्या हुआ कि विचार करते हुए बात करते समस्त सृष्टि को बात करते अपने अधिष्ठान तत्व को अनुभव करते। इसलिए बात क्या होता है, ये बात प्रक्रिया हमारे वैदांतिक है और इस प्रमा से उत्पन्न होता है जो बोध, वो प्रामाणिक होता है उस जगह पे। यदि आप वहाँ पे भाव प्रधान में क्या होता है, आज मैंने आपको ये कहा, आपने शुरू किया, आपको दूसरा कोई व्यक्ति मिल गया जो हमसे अच्छा समझाने वाले हैं, अच्छा उसके पास जो ये भी होते हैं आपको लगेगा ये तो अच्छा बोल रहे हैं, तो भाव प्रधान में डेविएशन होता है। परंतु प्रमा के द्वारा कोई चीज़ आपने निश्चय कर लिया, फिर आपको कोई कुछ भी बोले, आप जानते हैं कि मैं वेदांत तो वाक्य पे ही कहते हैं, चाहे कोई कितना भी बोल दे जगत सत्य है, जगत में भगवान है, ईश्वर है, हम स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। परंतु शास्त्र ने अंतिम स्थिति ये दिखाया कि ये सारा चीज जो है व्यवहारिक स्तर समझ सकते हैं, प्रमाण के जो साधन है, प्रमा मतलब होता है, आपको प्रमा के लिए परिभाषा ये दिया होगा कि अनधिगत अबाधित ज्ञान विषयत्म प्रमाणतम, जो ज्ञान कभी बाधित नहीं होता और जो अन्य किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता, कोई विशेष प्रमाण के ऊपर आश्रय करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है प्रमा ज्ञान होता है। तो यहाँ पे ये शास्त्र प्रमाण के आधार पर विचार करते हुए जो हम बाद समाधि को प्राप्त करते हैं, उस बाद समाधि से क्या होता है, फिर बुद्धान होता है, लय समाधि से बुद्धान होता है। आज आपने अच्छा ध्यान भजन किया, परंतु कल आपने किसी को बोला अरे ओंकार से भी अच्छा आप शिव जी के मुक्ति को ध्यान करते हो, मन लगेगा कि अरे ओंकार को करने से क्या होगा, कोई चीज दूसरे को प्राप्त करना चाहिए। परंतु आप जो है वेदांत तो पढ़ लेंगे, आपका सिद्धांत एक निश्चय रहेगा कि नहीं ये सारा चीज व्यवहारिक स्टेशन है, मन को बांधने के लिए उपाय है, बाकी आत्मा तो नित्य होता है, आत्मा में सृष्टि को भी है ही नहीं ना बंधन है। इसलिए बोलते हैं प्रणवे नित्य युक्त, प्रणव में जो नित्य जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति उसका कभी भय नहीं होता, क्योंकि भय तो नहीं दिखाई देगा शास्त्र के आधार पर। इसलिए बोलते हैं इदानीम तद अनभिज्ञ पर उपदेश मात्र शरण से, ये चीज है ना। इसलिए भगवद गीता में भी अर्जुन 17 अध्याय जो पहले प्रश्न प्रश्न करते हैं, जो शास्त्र विधि मुझसे जगत श्रद्धेय नहीं था तेषाम निष्ठा तो का कृष्ण सत्य महो रजस, मतलब वो शास्त्र का आधार नहीं देखते कि सीख करके कुछ ने बोला तो करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, अश्रद्धा नहीं है उसकी श्रद्धा को क्या बोले। भगवान वहाँ पे श्रद्धा के तीन प्रकार की बात बोलते हैं, क्या बोलोगे वो हम नहीं जानते हैं, क्यों, क्योंकि अंदर उसका क्या संस्कार है, कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करके इतना श्रद्धा दे विभाग करके अलग करके। यानी कि पर उपदेश जो पर उपदेश मात्र स्वर्णस्य ध्यान करता है, ध्यान करता है परंतु उससे व्यभिचार मतलब उससे परिवर्तन हो सकता है ना, परंतु धीरे 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 शास्त्र वाक्य के आधार पर चलते चलते तब जाकर के जुंजित मध्यम कर ननु मन समाधान ब्रह्मणि कर्तव्य। आपने कहा कि ब्रह्म में व्यापक तत्व में मन को समाधान करना चाहिए, तो प्रणव को भी क्यों बोल रहे हो, प्रणव बोलता आपको ब्रह्म नहीं दिखाई देता, प्रणव एक ओंकार एक आलम्बन है, उस आलम्बन में उसकी चिंता करो, यानी इसलिए आप प्रत्येक उपासना बोलते हैं इसका, आलम्बन में ब्रह्म की चिंता करो। इसलिए बोलते हैं आपके किमिति प्रणव तत् कर्तव्य तो उच्चते, प्रणव में प्रणव की ध्यान करना चाहिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इसके उत्तर में कहते हैं प्रणव नित्य युक्त प्रणव ब्रह्म निर्भय, ये ब्रह्म प्रणव और ब्रह्म कोई भिन्न वस्तु नहीं है, है ना। ब्रह्म मतलब निर्देश व्यापकता, उसके लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं होता, और प्रणव मतलब उसका प्रतीक है, उसका अवलंबन है, उस अवलंबन में परापर दोनों प्रकार के ब्रह्म को चिंतन कर सकते हैं, परम ब्रह्म को भी अपर ब्रह्म को दोनों प्रकार, जैसा हमारी योग्यता तदनुकूल चिंतन करो, जैसे उपदेश करो और जैसा चिंतन करेंगे तदनुकूल फल प्राप्त होगा, तदनुकूल फल प्राप्त होगा। इसलिए आपने बोला प्रणव ब्रह्म निर्भय। ठीक टीका में देखिए संप्रति प्रणवे समाहित चित्त से फलम दर्शे, इस प्रकार प्रणव में ओंकार में जिसका मन लग गया अथवा उसका चिंतन है, उसका फल क्या दिखाते हैं, प्रणव नित्य युक्त से न भय विद्यते कछित, उसका जो है वहाँ पे उसका कोई भय नहीं है, वो भय से निर्भय हो जाता है, क्यों, एकत्व तो बोध के कारण, उस व्यापकता पूर्णता के साथ एकत्व तो होने के कारण ये हम तो बोलते हैं। इसलिए टीका में और आ जाइए कि समाधान विषय अहम, उसको भगवान भाष्यकार बोलते हैं
कि यथा व्याख्या ने परमार्थ रूपे प्रणव है, कहाँ पे जो पारमार्थिक जिस प्रकार यहाँ पे व्याख्यान किया गया है, अकार उकार मकार वाले जो तीन पाद है, तीन मात्रा है, वही जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, इस प्रकार से यही मैं जो आत्मा, यही मैं ओंकार प्रणव ईश्वर स्वरूप हूँ, इस प्रकार से परमात्म रूप से प्रणव को चिंतन करके मन समाहित कर लिया, जिस व्यक्ति ने समाधान विषय यथा व्याख्या ने परमार्थ रूप प्रणव चेत मन भाष्य, ठीक है ना। तुरीय तुरीय रूपम जथा अथवा जथा इति, ठीक है ना, जथा उच्चते, देखिए कोष्ट में कुछ लिखा है तो उसका क्या पड़ेगा, जथा उच्चते अथवा जथा इति उच्चते, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है कहा गया है, मतलब इसी प्रकार से ही करना है, इधर उधर नहीं, जथा उच्चते जैसे कहा गया है, कहीं वैकल्पिक पाठ मिला होगा मतलब इति उच्चते, जथा इति उच्चते तत्र हेतु, आज विषय में हेतु कहते हैं, हेतु क्या है, जस्मात् प्रणव ब्रह्म निर्भय, क्योंकि प्रणव ही जो है हमारा क्या है, निर्भय ओंकार ही भय रहित ब्रह्म व्यापक तत्व ईश्वर पूर्ण तत्व है, इसलिए और वहाँ पे मन लग जाने पर, भगवान पे मन लग जाने पर किसी भी चीज़ का डर मनुष्य को नहीं रहता, ये अभिप्राय तदेव साथ है, इसको सिद्ध करके देखें, नहीं तत्र सदा युक्त भय विद्यते कचि, आप सामान्य व्यवहार में भी देखिए कोई भी साधन जिसका मन भगवान में लगा उसको किसी भी प्रकार का कोई डर, ना मान अपमान का, ना लाभ हानि, ना जस अपजस, किसी का कोई डर भय नहीं रहता मन में, ना कुछ नहीं रहता, सामान्य साधक के लिए भी यही स्थिति है, और जब प्रणव में बिल्कुल ओंकार में मन लग जाता है तब तो कहें नहीं क्या, इसलिए होते हैं नहीं तत्र सदा युक्त, तत्र मत तत्र प्रणवे स्वरूपे सदा युक्त, हमेशा जुड़ा रहने वाले व्यक्ति का क्वचित किसी भी अवस्था में किसी स्थान में भय अपना भय उसका नहीं, भय नहीं, कैसे बोलते हैं तो श्रुति भी बोलती है ऐसा, हमें व्यवहारिक जगत में अपने अनुभव में कोई चीज़ को लेकर के आप सोच में पड़े हुए व्यवहारिक जगत में देख रहे, यदि एक बार मन से अंदर से कहें अरे भगवान जो करेगा हमारे अच्छा ही के लिए होगा, यदि मन अंदर से अंदर से एक बार ये चीज आ जाता है तब देखना अपने आप ही आपका टेंशन कम, अपने आप कोई डर नहीं होगा, देखा जाएगा जो होगा भगवान करेगा हमारे अच्छा के लिए होगा, ये अपने आप ही होता है, इसीलिए आप बोलते हैं कि ये क्या क्या होता है यहाँ पे, ये विद्या न विवेति कुतस्य आधार पर तत्व यहाँ पे बोलता है कि ध्यान कर्तव्य था, ध्यान कर्तव्य में हेतु क्या है, क्यों इसको करने से क्या हो जाएगा, भगवान से यदि मन जुड़ पाओगे ना तुम्हारा टेंशन कम, आनंद से जी सकते, जो भी होगा ईश्वर इच्छा से होगा, और जो कर्म मैंने कर रखा उससे तो हम बच नहीं पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे, हम आप सब कुछ छोड़ कर आए हैं, परंतु जो भगवान ने यहाँ पे लिख दिया उसको तो आप छोड़ नहीं सकते, हाँ उसके साथ तादात्म्यता नहीं होगा, पहले तो आएगा वो आपके साथ, जो यहाँ पे भगवान ने लिख दिया सब मकान दुकान स्त्री पुत्र परिवार सब छोड़ दिया, परंतु ये तो हमारे साथ साथ आ गए, ज्ञान होता जाएगा, विचार होता जाएगा, ईश्वर के साथ मन लगता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ वो आपके सामने आएगा, चाहे सुख रूप में हो चाहे दुख रूप में, परंतु ये सुख है ये दुख है ये रहेगा, मैं सुखी दुखी के इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि ये निर्भीक अवस्था में आप आ जाते हैं, यदि भगवान की चिंता करते हैं तो उसी को सिद्ध करके, नहीं तब तो सदा युक्त समस्या प्रणव में जुड़ा हुआ व्यक्ति का कभी कोई डर नहीं रहता, हम आप डूबने से काम नहीं होगा, श्रुति भी कभी ऐसा कहती है, अगर वो श्रुति कहेगी तो इसीलिए तो कह रहे हैं, डर से बचना चाहते हो तो बस अपने भगवान की शरण में आ जाओ, विद्वान न विभेति कुतश्चन, है ना, तो विद्वान व्यक्ति उपासक, यहाँ पे विद्वान से ज्ञानी नहीं, यहाँ पे उपासना अनुमय कोष में आया हुआ है ना, कि किसी से वो डर नहीं, अदाचन कुतश्चन, किसी भी अवस्था में किसी भी श्रीमूर्ति से वो डरता नहीं है, इस स्थिति को कौन नहीं करता, तत्र तैतरीय श्रुति आत्म को दिखा, अब देखिए आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं कि ये पर अपर ब्रह्म दोनों ही प्रणव है, बराबर ब्रह्म, इसलिए आप बोलते हैं कि दृश्य तरी प्रणव मंदाना मध्यमानम च अधिकारीनाम ध्येय भवति इति आशंका, अब प्रश्न होता है कि तू मंद उत्तम अधिकारी तो ठीक है उसको मिला करके करेगा, तो मंद और मध्यम अधिकारी को क्या करता है, कीदृश तरी प्रणवो ये ओंकार मंदानाम मध्यमानाम च मंद और मध्य अधिकारीनाम ध्येय भवति, कुछ कुछ प्रकार की ब्रह्म चिंतनीय है उनका, एक प्रकार शंका होने पर तब कहते हैं 26
प्रणवो हि अपरं ब्रह्मा प्रणवो हि अपरं ब्रह्मा प्रणवश्च परस्मितः प्रणवश्च परस्मितः अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यो अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यो न परः प्रणवो व्ययः प्रणवो ब्रह्म प्रणवश्च परस्मृतः अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यो न परः प्रणवाव्ययः। क्या बोलते हैं? प्रणव ही अपरम ब्रह्म। अपर ब्रह्म मतलब कार्य ब्रह्म, माया माया के कार्य का भी अवलोकन उनका ही है। और प्रणवश्च परमस्मित, अब प्रणव जो है वो परम भी है, निर्गुण निराकार विशेष भी है, और एक ही वस्तु दो कैसे हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, सूर्य भी विद्या विद्ये प्रभु शक्ति, विद्या अविद्या दोनों ही प्रभु का परमात्मा की शक्ति माना जाता है। वो कैसे है कि भान छाया प्रभाव में है ना, भक्ति पुष्कर मतलब जिस प्रकार एक ही सूर्य से प्रकाश भी होता है छाया भी होता है, होता कि नहीं होता? एक ही सूर्य से प्रकाश भी होता है छाया भी होता है। आप सूर्य की तरफ देखेंगे तो क्या हो जाता है, आपको प्रकाश आपको दिखेगा। सूर्य से पीछा करके देखेंगे आपको छाया दिखेगा, ठीक है? तो छाया और प्रकाश दोनों ही सूर्य से ही होता है। इसी प्रकार विद्या और अविद्या दोनों ही शुद्ध आत्मा में ही है, कल्पना किया जाता है, ध्यान देना। क्यों? जब आप आत्मा की तरफ देखेंगे तब विद्या रूप है, जब आप जगत की तरफ देखेंगे तब विद्या रूप है। मुँह घुमा दिया, ये सामान्य दृष्टांत। एक एक सूर्य की प्रकाश, यही सूर्य प्रकाश प्रकाश रूप भी है, छाया रूप भी है। प्रकाश रूप कब है? जब सूर्य की तरफ देखते हैं तो प्रकाश रूप दिखाई पड़ता है, सूर्य की तरफ पीछे करके आप प्रकाश को समझते हैं तो आपको छाया दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर की तरफ शुद्ध ब्रह्म की तरफ मुँह करके देखते हैं तो विद्यात्मक दिखती है, और उसको जगतात्मक करके हम देखते हैं वो भी उसी प्रकाश से दिखाई दे रहे हैं, वो कहते हैं अविद्यात्मक, वो उन्हीं का ही रूप है। प्रणव ही अपरम ब्रह्म प्रणवश्च परस्मित, यानी हमारे वास्तिकाचार्य ने लिखा विद्या विद्ये प्रभो शक्ति भान छाया प्रभोपमे, वास्तिकता है विद्या अविद्या दोनों ही प्रभु का शक्ति है। हम ज्ञानी है जो ये भी एक माया का ही है, जब ज्ञान हो जाएगा तो विद्या विद्या दोनों गया, विद्या विद्या दोनों गया। क्योंकि जिस वस्तु के ज्ञान से आप अपने उसका तो व्यवहारिक ज्ञान और तो विषयात्मक ज्ञान होता ही नहीं है। इसलिए विद्या विद्ये प्रभो शक्ति भानो छाया प्रभोम में, इस प्रकार सूर्य में छाया भी होता है प्रभा भी होता है, उसके ऊपर समझना चाहिए। प्रणव ही अपरम ब्रह्म प्रणवश्च परस्मित, तो वास्तविक प्रणव स्वरूप क्या है? अपूर्व स्मृत, स्मरण किया गया है, स्मरण किया गया, स्मृति है ये ना, मतलब ऋषि लोगों ने अथवा जिसने अनुभव किया उसने ऐसा स्मरण किया। और अपूर्व, अपूर्व मतलब क्या हो गया? न विद्यते पूर्व यस्मात्, जिसके पीछे और कोई नहीं, मतलब जिसका कोई कारण नहीं, ठीक है ना। फिर बोलता है अनंतर, मतलब कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, भेद नहीं है, कोई एक एक होमोजेनियस है, और बाह्य जिसका कोई कार्य रूप नहीं है, भाव रूप में कुछ दिखाई नहीं पड़ती, अनपर कोई भेद नहीं है, इस प्रकार प्रणव जो है व्यभित करते हैं। अपूर्व अनंतर अबाह्य अनपर, क्योंकि हमें क्या होता है कि प्रणव के पर अपर ब्रह्म में क्या दिखाई पड़ता है? भेद दिखाई पड़ता है, कार्यकर्म भाव दिखाई पड़ता है, वो भिन्न है मैं भिन्न हूँ, वास्तविक उसमें ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ चारों देखिए हमें निषेधात्मक, अपूर्व अनंतर अबाह्य मतलब प्रणव कारण से रहित है, फिर अंतर बाहर से शून्य है, मतलब बीच में कोई वेरे एक होमोजीनियस एंटिटी है, फिर वो अवाह्य मतलब कोई कार्य रूप से उत्पन्न नहीं होता, अवाह्य अनपर और प्रकार अव्यय रहे, अव्यय। आपके पास धन खजाना हो, आपके पास कोई गुण हो तब उसका व्यय घटना संभव होता है, धन हो तो घटना संभव है, कोई गुण हो तो घटना संभव है, कोई और कोई वस्तु हो, मतलब इसके पास कुछ नहीं है, केवल अपने आप में है, कोई गुण नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो क्या खर्चा होगा उसका? इसलिए अव्यय, इससे कोई व्यय नहीं होता। तो यहाँ पे यही चीज को ध्यान रखना है कि ये जो है
जो सृष्टि तत्व में ब्रह्म ही कार्यात्मक है, ब्रह्म ही कारणात्मक भी है और वो कार्यकरण से रहित भी है, कार्यकरण से रहित भी है। कार्यात्मक जगत भी उसी के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, भिन्नता क्या होता है कि व्यवहार काल में अज्ञानी की अज्ञानी की व्यवहार, उसमें सत्तत्व बुद्धि करके व्यवहार करता है, उससे कुछ प्राप्ति की इच्छा करता है। ज्ञानी को उसको सत्तत्व बुद्धि नहीं रहे तो उससे कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं आता, बहुत ही मजा लेते हैं। परंतु जीवन मुक्त अवस्था में व्यवहार की एक मजा लेते हैं बस, और कुछ नहीं, इतना ही मकसद है भिन्नता। तो प्रणव ही अपरम ब्रह्म, प्रणवश्च परस्मृत। ये प्रणव को ही अपर ब्रह्म भी कहा गया, प्रणव को परम ब्रह्म भी कहा गया। स्मृति मतलब स्मरण करते हैं, ज्ञानी पुरुष उसके इस प्रकार से स्मरण करते हैं। कैसे? अपूर्व अनंतर अवैध अनुपर प्रणव अपूर्व। प्रणव जो है कार्य से रहित, कारण से रहित, भेद से रहित, व्यय से रहित, इस प्रकार एक तत्व है। देखिए भाष्यकार क्या बोलते हैं, परापरे ब्रह्मणि प्रणव परमार्थतः। ठीक है ना, आप देखिए आपके परापर पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों ही प्रणव ब्रह्मणी है ना, ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी ये द्विवचन है ना। पर और अपर ब्रह्म दोनों ही प्रणव का ही रूप है, ओंकार का ही दो रूप दिखा है। ये तत्वी सत्य कम परम च ब्रह्म जब ओंकार पंचम प्रश्न पूछ सकते हैं वही भी विधि है। परापरे द्विवचन है, परश्च परश्च परापरे फलम फल जैसे ब्रह्मणि ये भी द्विवचन है। कौन है? प्रणव परमार्थ है ना। परंतु पारमार्थिक दृष्टि से क्या है, पारमार्थिक दृष्टि उसको व्याख्या करते हैं चीनेशु मात्रा पादेशु है ना। आपको क्या इसमें आके क्या करना पड़ेगा, मात्रा और पाद दोनों को लय करना। मात्रा और पाद, पहले हमने अवलंबन लिया था जागृत के साथ आकार की मात्रा, स्वप्नों के साथ उकार की मात्रा और दोनों को लय करके मकार की मात्रा में आए। अब आकार उकार मकार तीनों मात्रा और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों पाद को शुद्ध आत्मा में लय करना। ये तीनों लय, लय मतलब क्या लिखा, विचार पूर्वक, ये मेरा कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, व्यवहारिक वस्तु है, इसलिए परमार्थता शब्द प्रयोग किया हुआ। अब परमार्थ में क्या हो जाएगा, चीनेशु ये सतशब्द भी है, चीनेशु मात्रा पादेशु है ना। जब पाद और मात्रा दोनों ही जबकर छीन हो जाए, छीन हो जाए, पर एव आत्मा ब्रह्म, उस समय क्या होता है, ये जो है ऊपर तत्व ही, वही जो आत्मा है वही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म एव, वहाँ पे एव कर आत्मा ब्रह्म वेद ना। ये हो गया आपका पहला, प्रणव ही अपरम ब्रह्म प्रणवश्च परस्मृत पर एव आत्मा ब्रह्म। पर क्यों बोला, वो आत्मा जो आत्मा भेद रहित अवस्था को समझ लिया पर आत्मा हो गया, और जब भेद के साथ व्यवहार का तो अपर आत्मा हो गया, आत्मा तो ही है, इसलिए पर एव आत्मा ब्रह्म इति न पूर्व कारणमस्य विद्यते इति अपूर्व। न पूर्व मतलब जिसके पहले कोई वस्तु नहीं रहता, मतलब जिसका कोई कारण नहीं। हमको कार्य कारण भाव से जगत को देखना हमारा अभिष्ट है, तो आपने जो है समस्त किसी भी एक वस्तु को लेकर के उसका कारण में आपने लय किया। जिस प्रकार एक पुस्तक सामने दिखाई पड़ता है, ये पुस्तक मतलब क्या है, कुछ पेपर की एक मतलब समेशन को हम बोलते हैं पुस्तक, उसमें कुछ प्रिंट लिखा हुआ। अब धीरे 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 आप इसको लय करने का कोशिश करें, तो पहले आपके सामने से पुस्तक के ऊपर जो लिखा हुआ वस्तु था वो लय हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, वाइट पेजेस। फिर व्हाइट पेज को आप धीरे धीरे पेज के साथ एक पल्प में, वो कहाँ से आया, प्रकृति से आया, प्रकृति के विकास से कला से मिला करके बना था इसको। तो देखिए धीरे धीरे इस पुस्तक को आपने पृथ्वी तत्व तक ला सकते, जो मतलब समस्त जो भी भौतिक वस्तु दिखाई पड़ते हैं उसको पहले पृथ्वी तत्व में ला करके, फिर उसके बाद विचार करते पृथ्वी तो एक कार्य है, इसका कारण क्या है, तब आप कहाँ पर आ जाएंगे, जल तत्व, जल तत्व को फिर उस प्रकार तेज तेज को वायु में, वायु को आकाश में, फिर आकाश को सत तत्व में लय करना, फिर उसके आगे पुरुषात्मा परम की चित साष्ठा सा। ठीक है ना, इससे आगे शुद्ध अनपरम। ठीक है ना, सबके पीछे कार्यात्मक जगत के पीछे एक एक करके कारण होगा, जहाँ पे द अनकॉस्ट कॉज, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है ना, हम इसके पीछे आप ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बोलते हैं पुरुषार्थ पूर्णता के पीछे और कोई कारण, और साकाष्ठा दैट इज द हाईएस्ट परागति, यही अंतिम प्राप्ति है, वहाँ पर पहुँचते, इसलिए बोलते हैं कि ना विद्यते कारणमस्य इति अपूर्व। फिर अनंतर न
अस्य अंतर मतलब भिन्न जातियम किंचित विद्यते इति सजातीय विजातीय। सजातीय भी कोई भेद नहीं है, विजातीय भी कोई वस्तु नहीं है। विजातीय वस्तु नहीं, इसको समझाने के लिए अनंतर न अंतर अनंतर नो डिफरेंस, उस भिन्न कोई नहीं था। न अस्य अंतर मतलब भिन्न जातियम किंचित विद्यते इति अनंतर, उस भिन्न जाति विजातीय कोई वस्तु नहीं है। तथा बाह्य मतलब अन्नक न विद्यते इति अबाह्य मतलब कोई कार्यात्म कार्य भी इससे भिन्न भी नहीं है, इससे कोई कार्य उत्पन्न भी नहीं है, इससे कोई कार्य उत्पन्न भी नहीं है। माया के बिना कोई भी कार्य आपको नहीं दिखाई दे सकता, इसलिए मैं बोला अपूर्व अनंतर अबाह्य। फिर बोलते हैं अनपर अपरम कार्यमश न विद्यते, इसका कोई कार्य भी नहीं है इति अनपर। बाह्य मतलब अंदर बाहर करके कुछ नहीं है, यदि कुछ बैरियर है तो दीवार के अंदर है बाहर है, तो बीच में कोई यदि विजातीय वस्तु अथवा बैरियर लगाने वाले होता तब तो हम ऐसा भेद कर सकते, मतलब ये भी नहीं है और फिर कोई कार्यात्मक वस्तु भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है केवल यहाँ नहीं, दूसरी श्रुति भी ऐसे ही कहती है, क्या बोलते हैं सबाई अभ्यंतरो ही अजल सैंधव घनवत इति अर्थ। ओके, मुंडक श्रुति है 2:1-2, सबाई अभ्यंतरो ही अजल, वो जो है कि बाहर और अभ्यंतर कार्यकरण भाव से रहित होते हुए वो जन्म रहित है, तो कार्यकरण भाव में दिखाई देने पर भी वो क्या है जन्म से रहित रहता है। तो कैसा है सैंधव घनवत, केवल एक नमक का ढेला, नमक का ढेला जैसे वहाँ पे नमक नमकता से भिन्न और कुछ भी नहीं है। इसको समझाने के लिए श्वेत केतु को एक पूछा कि आपको कैसे समझेंगे, बोलते रुक कैसे समझ में आता है, मतलब यही पेड़ संपूर्ण वृक्ष का बीज इसमें विद्यमान है कैसे समझ में आएगा। बोलते हैं ऐसा तो समझ में नहीं आएगा, किंतु जो सामान्य इंद्रिय आदि की तरह समझ में नहीं है तो समझाने के लिए दूसरा तरीका है। तो उसको कथा के रूप में वहाँ पे कहते हैं, बोले एक नमक की ढेला लाओ और एक ग्लास पानी लाओ, लाए बोलते आज रात इस नमक के ढेले को पानी के ग्लास में डाल दो, तुम्हारे पास आराम से इसको रख दो और किसी को नहीं छूने देना, ढक के रख दो, कल सुबह इस पानी को लेकर के मेरे पास है। नमक का ढेला एक हाथ में और ग्लास पानी एक हाथ में डाल दिया, रख दिया वहाँ पर, दूसरा दिन सुबह आकर के बोलते हैं कि वो जो कल तुम्हारे हाथ में नमक का ढेला था वो कहाँ गया, बोलता आपने तो कहा हमने पानी में डाल दिया, तो पानी में से निकालो उसको, तो नहीं निकाल गया तो क्या वो कहीं खो गया कहीं चला गया, बोलता है नहीं उसको अच्छी तरह से हिलाओ, फिर ऊपर से नीचे से और बीच में से उठा करके थोड़ा आसमान करो, उठा को देखो क्या वो नमकीन पर हो, समान रूप से नमकीन पर हो तो समान रूप से बिल्कुल। वो क्या है वहाँ पे, बोलते हैं देखो जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको जानने के लिए दूसरा तरीका है, इसी प्रकार पूरा सृष्टि में पूर्ण विश्व तत्व विद्यमान है उसको जानने के लिए दूसरा प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अवलंबन करोगे तब जाकर को समझ में आएगा। इसीलिए आप बोलते हैं कि ये जो है स्वबाह्य अभ्यंतर सैंधव घनवत, मतलब एक नमक की ढेला जहाँ पे कोई भी जातीय वस्तु नहीं है ऐसे बोले। अजमेश्वर्योगेक्षण ब्रह्म